अस्सलाम वालेकुम वेयर फूड एंड टेस्ट की फैमिली में सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है हॉट टेस्ट चिली चिकन। ये बहुत ही मज़े की बनती है। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो कुछ यूँ हैं। सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया है 1 kg और इसके मैंने 12 टुकड़े करवा लिए हैं। 2 दरमियाने साइज के प्याज, इसको मैंने चकोर क्यूब्स में काट लिया है, बहुत मोटा भी नहीं और बहुत बारीक भी नहीं। और 2 से 3 टमाटर, इसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, दही 1 कप, सबस मिर्चें बारीक कटी हुई 3 अदद और साबस सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और 5 गोल लाल मिर्चें। एक पैन ले लिया और इसके अंदर 1/2 कप ऑयल डाल दूंगी। ऑयल को गर्म कर लूंगी मैं और अब मैं इसके अंदर ये चिकन ऐड कर दूंगी और इसको भून लूंगी। इसको इतना भूनूंगी कि ये पिंक से वाइट हो जाए। ये कढ़ाई इतने मजे की बनती है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप इस कढ़ाई को दावतों में बना के भी रख सकते हैं। ये थोड़ी सी जरा हटकर है इसका फ्लेवर, लेकिन बहुत मजे का लगेगा। और सिंपल सी रेसिपी है और सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाली है, लेकिन बहुत मजे की है। चिकन देखिए पिंक से वाइट हो गया। अब मैं इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी, अदरक का पेस्ट डाल दूंगी और इसको चिकन के साथ भून लूंगी। 1 किलो मुर्गी के 12 पीस करवाए थे मैंने। ये देखिए लहसुन अदरक डाल के मैंने इसको भून लिया है 2 से 3 मिनट। अब मैं इसके अंदर क्यूब्स में कटा हुआ प्याज ऐड कर दूंगी। ये क्यूब्स में कटा हुआ है, मोटा मोटा सा प्याज को बारीक बिल्कुल नहीं काटना। और क्यूब्स में ही कटे हुए टमाटर डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। बस इतना हमने इसको पकाना है कि प्याज और टमाटर कच्चे पके हो जाएं। कच्चे पके जब हो जाएंगे फिर इसके अंदर मैं बाकी सीजनिंग ऐड करूंगी। इस कढ़ाई में हमने प्याज को बारीक बिल्कुल नहीं काटना, इसी तरह से ही काट के डालना। तो बहुत मजे की रेसिपी है, बहुत मजे की बनती है, सिंपल सी है, बहुत मजे की है। टमाटर और प्याज सौते करना है बस, इतना ज्यादा नहीं हमने बिल्कुल पकाना। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड कर दूंगी, लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर दूंगी और 1 कप दही ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। दही डाल के फौरन इसको हमें हिलाना है ताकि कर्ड ना हो। इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि हमने टमाटर भी डाले हैं और दही भी डाला है, तो इसी के पानी के साथ ही ये गल भी जाएगा। मिक्स कर लिया मैंने इसको, इसको मैं कवर कर दूंगी और इतना पकाऊंगी कि हमारा चिकन गल जाए। चिकन भी गल जाएगा और जो जितने हमने मसाले डाले हैं वो भी गल जाएंगे और बिल्कुल मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। कवर करके 5-7 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है और इसके अंदर जो मैंने प्याज और टमाटर डाला था ये हमारे खड़े खड़े ही रहेंगे। ये थोड़े थोड़े मोटे मोटे से इसलिए हमने डाले थे ताकि ये बिल्कुल मैश ना हो, ये खड़ी खड़ी कढ़ाई में नजर आते हैं और इसका फ्लेवर बहुत मजे का है। इस तरह से आप ये कढ़ाई बनाएं तो बहुत पसंद करेंगे इंशाल्लाह। ये कढ़ाई इतने मजे की बनती है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप इसको पराठों के साथ, नान के साथ और तफ्तान के साथ भी खाएं तो बहुत मजे के लगेंगे। इसका फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसका एक बघार लगाऊंगी जो हम इसके चिकन के ऊपर डालेंगे। एक पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसके अंदर गोल लाल मिर्चें बघार वाली वो मैं ऐड कर दूंगी, सफ़ेद ज़ीरा ये साबत ये भी मैं ऐड कर दूंगी और इसको थोड़ा थोड़ा मैं हिला लूंगी। ये देखें ये करकराने की होना शुरू हो गया और मैं अब इसका फ्लेम बंद कर रही हूँ और अब ये जो कढ़ाई बनाई है इसके अंदर ये मैं सारा तड़का जो है ये मैं ऐड कर दूंगी और इसको मैं अच्छी तरीके से साफ करके इसको स्पैचुला की मदद से इसको मैं अच्छी तरह से कढ़ाई को मिक्स कर लूँगी। इतना मज़े का ये जायका बनेगा कि मैं आपको क्या बताऊँगी। थोड़ी सी डिफरेंट और हटकर है ये, ज़रूर इस तरह से बनाएं और आप सब लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगी। मेरे कहने पे एक दफ़ा ये ज़रूर बनाएं। 5 मिनट के लिए दम वाली आँच पे इसको मैं पकाऊंगी, 5 मिनट के बाद मिलते हैं। देखें ये दम पे मैंने रखा था और मैं अब इसका चूल्हा बंद कर दिया।
मैंने सब्ज मिर्ची तेज वाली डाली थी तीन। अगर आपके पास तेज वाली ना हो तो आप दूसरी डालेंगे तो फिर आप क्वांटिटी ज्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत जबरदस्त आता है। ये देखें मजेदार सी, इतनी मजे की खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप इसको नान के साथ, पराठे के साथ खाएं, बहुत मजे के लगेंगे आप। एक सर्विंग बाउल ले लिया मैंने और इसके अंदर मैं ये सारा, ये जो मैंने कढ़ाई बनाई है ये मैं डाल दूंगी। मैं इसको डिश आउट करके फिर आपसे मैं मिलती हूँ। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है और सब्ज मिर्चें बारीक कटी हुई वो मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी, और अदरक जूलियन कटी हुई वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये चटपटी सी हॉट टेस्ट चिली चिकन तैयार है। आप इसको ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक देंगे, बहुत मज़े की बनेगी और सब शौक से खाएंगे और पसंद करेंगे। और ये दावतों के लिए एक बेहतरीन कहते हैं कढ़ाई है। ये थोड़ी सी डिफरेंट है और सिंपल सी रेसिपी है, और इसमें सिंपल से इंग्रेडिएंट हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं, लेकिन थोड़ी सी हटकर है, इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आपको लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर बनाएं और आपके सब घर वाले ज़रूर पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और आगे शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।